कांग्रेस नेता अधीर रंजन द्वारा राष्ट्रपति के लिए किए गए विवादित बयान पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस की हमेशा तानाशाही की मानसिकता रही है। कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करती कि कोई आदिवासी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति और देश के संविधान के साथ साथ जनजातीय समाज का भी अपमान किया है। अधीर रंजन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। तानाशाही की मानसिकता रही है और कांग्रेस कभी ये स्वीकार नहीं करते कि कोई गरीब, कोई आदिवासी देश का राष्ट्रपति बने, देश का प्रधानमंत्री बने। और जिस दिन से हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, तब से लेकर कांग्रेस के द्वारा उनके बारे में कई तरह की अशोभनीय टिप्पणियाँ की जा रही हैं संसद के अंदर। जो कांग्रेस के सांसद उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि देश के राष्ट्रपति का अपमान नहीं हो सकता है। और ये देश के राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, ये देश के संविधान का भी अपमान है। एक आदिवासी जनजाति समाज की जो हमारी राष्ट्रपति है, उस पूरे देश में उस समाज का भी अपमान उन्होंने किया है। और इसलिए कांग्रेस को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। और जिस भाषा का प्रयोग किया है, मैं ये मानता हूँ कि इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए।